तो और भाई लोग, क्या हाल आप लोग हैं? मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं मोटजार एंड क्या ही बोलूँ। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा हिटमैन 2016, जो कि मेरा कल का वीडियो जो जिसने देखा होगा तो उसने फ्री में क्लेम कर लिया होगा। तो अगर वो सेट पर्सन खेल नहीं सकता तो मेरे हिसाब से मुझे ही लेट्स प्ले करना पड़ेगा, और मुझे करना भी था ऐसे कोई गेम का लेट्स प्ले। लेट्स प्रीटी मच बिगिन। तो यहाँ पर ये जो बंदा है जैस्पर नाइट करके, इसको अपने को अपेरेंटली असासिनेट करना है, या अपने को ये मिशन कंप्लीट करने के लिए बहुत The अलग final अलग से तरीके test हैं। is based on an तो authentic फिलहाल स्टार्टिंग देख लो 1979 और फिर मैं mission. वापस आता हूँ। The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. हाँ तो मैं सही था। तो अभी देखते, गाड़ी के पीछे हम आ चुके हैं, यहाँ पे बंदे खड़े हैं। मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मैं जल्दी से कवर चेंज कर लेता हूँ और फिर देखते क्या कर सकते हैं। तो इस गेम में अपेरेंटली ईव्स ड्रॉप करके कुछ तो होता है, अब उसका ट्यूटोरियल आएगा फिलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ना देखते हुए मैं अंदर अवॉर्ड चला जाता, तो बंदे को डायरेक्ट मैंने स्किप कर दिया। हाँ तो यहाँ पर हमको हमारी गुड ओल्ड फाइबर वायर और जो साइलेंट पिस्तौल होती है, जो काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले को यूएसपी के नाम से पता होगी, वो हमें मिलती है और हमें मिशन कंप्लीट करना है और देखते हैं क्या होता है। Jasper Knight is leading तो ये अलग अलग तरह के वेज है जिससे आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इंस्टेंट ऑन करके देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बंदा है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा क्या करूँ यार। You इसके अगर पीछे से जाओ तो सही रहेगा वो कॉइन। हाँ तो मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि अगर कॉइन चेकते हैं ना तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। हाँ तो मैं कॉइन को थोड़ा एम करके, एक कॉइन से मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, दो 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 तीन फेंकने पड़ेंगे। तो मैं फिर एक और फेंक देता हूँ, ट्राई करते हैं थोड़ा ऊपर से हम ये एरिया में, तो देखते हैं डिस्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं। ओह नाइस, सक्सेसफुली हुआ। इनके सर पे क्वेश्चन मार्क आता है, उसका मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो मैं अभी पीछे से नहीं निकल सकती, तो ये खिड़की कूद के जाना पड़ेगा एज अ रियल असैसिन। असैसिन क्या भाई तो इसके पीछे हम बॉक्स के पीछे चले जाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो ये बंदा जो जा रहा है ना, इसको मैं काम करता हूँ, कॉइन फेंक के ना अपनी तरफ बुलाता हूँ, फिर इसको मार के इसके कपड़े ले लूंगा, फिर इसकी बॉडी कहीं पे पीछे फेंक डालूंगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते इसको बुला सकते क्या। और थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद बंदा फाइनली आ चुका है, तो कोई देख नहीं रहा है। मैं उसको सब भी कर लेता हूँ, उसका गर्दन तोड़ के मैं उसको पीछे ले लेता हूँ। अजीब से कपड़े लग रहे, तो किसी को शक तो नहीं होगा ना, गन पड़ी यहाँ पे, इसका गर्दन तोड़ देता हूँ मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और हाँ मैं इसका डिस्गाइज कर लेता हूँ, जिससे टी दबा देते हैं। हाँ जी, हम ऑफिशियली बन चुके हैं हवलदार। सर्चिंग ओके। अरे हाँ, इसको इसको उसको बॉडी मिली, बॉडी दिखी रही है, और मैं फटफट से आपको यहाँ से भाग देता हूँ ताकि वो सेम सोल्जर मुझे कुछ और ना समझ जाए, क्योंकि वो नंगा बंदा है और मैंने उसे कपड़े चुरा लिए। और मैं ये वाले को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, वरना अगर ये मुझे देख ले तो भाई टाइट टाइट फिश हो जाएगी, अपनी मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को ऑफिस। तो अभी देखते हैं क्या होता है, हम जाते हैं यहाँ पे गाड़ी के नीचे, गाड़ी के पीछे बैठ जाता हूँ मैं, और थोड़ा इंस्टिंक्ट से इधर उधर देख लेते कुछ कर सकता हूँ क्या मैं। तो यहाँ पे एक और गाड़ी के पीछे जाता हूँ, तो ये डोर को खोल देता हूँ। ओह शिट शिट, तो हमारे पास लॉक पिक नहीं है, तो हमारी इंस्टिंक्ट हमें यहाँ तक लेके आई है, और देखते हैं फिलहाल इसको ओवरफ्लो करने से कुछ हो सकता है क्या। मुझे लगता है ओह ओह एरिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ओके सो हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एक और तरीका। ओह नाइस, तो अभी ये गार्ड यहाँ पर आ रहा है चेक करने, जो लेफ्ट साइड में गार्ड था ना। और वैसे भी मैं एक सोल्जर हूँ ना, मुझे फिर प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए। सो आई थिंक मेरे को ना डायरेक्टली ये रूम में गुजरना चाहिए, क्या बोलते हो गाइस? तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ओह हाँ, ओपन करके मैं अंदर जाता हूँ।
देखते हैं सो शूट हुई ओके तुम ओ भाई ये क्या ये ले लेता हूँ मैं एक काम करता हूँ उसने मेरे को देखा नहीं क्या चैलेंज कम्प्लीटेड अ स्लाइड शो ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया slides depicting Knight's escape route from Cuba to his new home in the Soviet Union are ready for pickup at the reception. Death security expects a soldier to fetch the slides, whereupon the KGB officer and Knight will likely retreat to the upstairs office. Okay, so हमने इसकी बकबक सुन ली है एंड चलते हैं यार अपन खुद का ही चल चल के देख लेंगे क्या होता है. Okay, so तो एरिया ऑफिस सर्च हो रहा है मेरा और फिलहाल मैं देखता हूँ क्या होता है. तो मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया है ओह ये घुस गया क्या तो मैं इसको ओवरफ्लो कर रहा था ओवरफ्लो करके भाग सकता हूँ मैं देखते क्या होता है. ओवरफ्लो तो कर दिया मैंने इसको अब देखते भाग सकते हैं क्या हम लोग. शिट कोई पकड़े ना मुझे भाई तो पहचान कैसे नहीं रहे यार मैं हिटमैन हूँ तुम्हारा लोकल वॉचमैन नहीं हूँ यार. तो टेंशन नॉट आया मैं तुमको बता देता हूँ जो बंदे होते जिनके सर पे डॉट होता है ना डॉट ये देखो ऐसे जैसे ये वाला बंदा Eddie, soldier. हाँ भाई तेरा सोल्जर ही हूँ. तो ये जो रेड कलर में था ये अपना विक्टिम था और देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं. तो भाग सकता हूँ क्या पकड़ नहीं पाएंगे लोग ओ अरे हाँ तो इसमें मेरे ख्याल से ना जो वो टेबल से उठाए थे मेरे ख्याल से हाँ वो डालना था. ओके नाइस मैं किधर बैठ सकता हूँ पेपर लेना पड़ेगा एफ पिकअप ओके डन ब्रो मैं निकलता हूँ यहाँ से और फिर देखते हैं क्या होता है. Jasper Knight is demanding that his girlfriend accompanies him to the Soviet Union. Oh, girlfriend! And he refuses to leave until he gets affirmation from his superiors in Moscow. Okay, so the call will come through in the restricted but otherwise unguarded radio room. तो ये जो काले कपड़े वाला बंदा दिख रहा है ना मैंने को उसको मार के इसके कपड़े लेने हैं. तो इसको फॉलो कर लेता हूँ और जैसे ही रूम में जाएगा ना मेरे ख्याल से रूम में कोई है नहीं राइट साइड में कौन है बंदा है ना. ओ नहीं 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 कोई नहीं है इसकी बहस की मार लो खत्म खत्म सब भाई मैं कसम से मेरी फट गई थी पता है ये बंदा उधर देखा तो मेरी कसम से मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये बंदा पकड़ लिया मेरे को अब मैं अब मेरे को गेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा. ओहो मैं जनरल बन गया भाई रशिया का जनरल बन गया भाई. ओहो कंग्रेचुलेशन दो बॉयस कमेंट में ओके कीप वे पॉइंट्स ओके कीप वे पॉइंट्स कर लेता हूँ मैं जल्दी से एकदम और फिर चलते हैं आगे. तो ये रेड में तो बंदा उसको मार नहीं सकते ना फिलहाल ये है यहाँ पे सबको बुला लेगा. तो देखते हैं अभी क्या करना है अपने को. सो जिसको मैंने मारा हूँ उसकी बॉडी इनको मिल चुकी है अभी इस बंदे को इस पर्टिकुलर बंद ओह शिट मैंने क्यों उसको मार दिया. तो ठीक है मैं तीसरी बार खेल रहा हूँ वापस इसको बॉडी मिल चुकी है लगता है मेरा सेव थोड़ा अजीब सा था अभी बैठ के बॉडी को देख रहा था बेचारा पूछ रहा था कपड़े कहाँ गए इसके मैं भी इसके बैठ के थोड़ा देख रहा था. तो गुड न्यूज़ के जो बड़े बड़े जनरल होते हैं अपने बंदों को जो है बाय फेस नहीं जानते तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई भी कुछ भी बन के स्नीक इन कर सकते हैं. फिलहाल ये लॉकडाउन में चले गया गार्ड्स है तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो मैं इससे बात कर कर के इसको रेडियो रूम में लेके आ चुका हूँ अभी देखते क्या होता है अभी बात करेगा किसी से. कुछ तो नाम था जी अटपटा रशियन नाम था मेरे को याद नहीं है रशियन लोग के इतने अजीब नाम क्यों होते हैं. तो अभी बात करना चाहिए बात क्यों नहीं कर रहा मेरा मेरी मुंडी क्यों देख रहा है मुझे मत देखो बात करो बात करो बात करो. तो मैं थोड़ा फिजिटिंग अराउंड कर लेता हूँ. तो मैं नीचे आया अरे बंदा मेरे को सल्यूट मार रहा है गुड जॉब ब्रो. और ये बंदे को मैं फाइनली भाई 15-20 मिनट के मेहनत के बाद उसको फाइनली मैं ऐसे रूम में लुअर करके ला चुका हूँ जहाँ पे इसकी बहस की टांग तोड़ दी जाएगी. तो अभी इस यंग रशियन मैन की बॉडी को हम कचरे की तरह उसमें फेंक देंगे. और अरे एक चीज करना तो भूल ही गया मेरे को डिस्गाइज भी करना था ना छोड़ दो इन लोगों को पता चल जाएगा. अभी भी मैं कैप्टन उनका अभी भी मेरी रिस्पेक्ट करते भाई मेरे हाथों पे खून है अभी मेरे को भागना पड़ेगा ये बंदे को. ये बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है कुछ हुआ ही नहीं भाई का अगर मैं होता ना उसकी जगह जिसकी मैंने बहस की टांग तोड़ दी है तो बहस की नहीं बुरी बात जिसकी मैंने टांग तोड़ दी है तो भाई मैं चिल्लाता हूँ कोई नहीं है मिशन कंप्लीट हो चुका है. तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय.